अभियुक्त ने जो संविधान लिखने का काम किया था आप लोग याद कीजिए, सब कुछ आप लोगों के बीच रखता था, उनको ये एहसास हो गया था और आप लोगों के बीच आके वो हमेशा कहते थे ये देश की आवाम को फैसला लेना है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही थी तो देश हमारा एक रहेगा या टूटेगा, देश की आवाम को फैसला लेना। झूठ बोल करके, लोगों को ठग के, साजिश रच करके लोग सत्ता में आ गए, लेकिन आज जो हमारा देश का संविधान है उसको बदलने की बात करते हैं, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं नत्थूराम गोडसे उसकी पूजा हो रही है। हमारा देश सबों का देश है और हमारे देश की यही खूबसूरती है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, दिखने में अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, तभी हमारा ये देश, हमारा मुल्क भारत महान कहलाता है, यही हमारी संस्कृति है। लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता और ये बात जान ले, मुल्क और माँ, मुल्क और माँ बदले नहीं जाते, और माँ जो है अपने बच्चों को बेदखल नहीं करती है, ये बात समझना पड़ेगा। आज देश जो है आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी है, आप बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पे देख लो, नौजवान जो डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, आज स्टेशन की हालात को देख लीजिए, डिग्री लेकर के जो है ट्रेनों पर चले हुए स्टेशन में एक इंच जो है पांव रखने की जगह नहीं है, लोग जो है बेरोजगार किए जा रहे हैं, लगभग पूरे देश में 4 करोड़ रोजगार कम हुए, और इस साल का जो SPI का जो सर्वे आया है, समीक्षा आया है, वो कहता है कि 16 लाख रोजगार और कम हुए। हमारे देश में किसान पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं हो रही, रोजगार पे बात नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही, अमन की बात नहीं हो रही। कुछ BJP माइंडसेट के मीडिया है, बहुत लोग अलग अलग नाम से बोलते, कोई गोदी मीडिया कहता है, हम लोग कहते हैं TTM। TTM मतलब टावर तोड़ तेल मालिक। दिन रात मोदी जी का एजेंडा, अमित शाह का एजेंडा, देश को तोड़ने का एजेंडा। अरे बात करना है तो आर्थिक मंदी पे करो, महंगाई पे करो, बेरोजगारी पे करो, किसान की करो, तो किस पे बात करते हैं? हिंदू पर, मुसलमान पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, पाकिस्तान पर, और कोई नहीं मिला तो इमरान खान की बात। आप बताओ इससे देश और आगे बढ़ेगा क्या? क्यों आप देखिएगा, ये जो कानून है, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी थी जब राज्यसभा में ये जब टेबल किया जा रहा था ये बिल, हम अपने विधायकों के साथ सड़क पर बैठ करके धरना देने का काम कर रहे हैं। जब जामिया में लाठियां पड़ी, सबसे पहले हमारे पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया, प्रतिक्रिया देने का काम किया। आपके नेता आदरणीय लालू जी को आज इसी वजह से साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया, क्योंकि उन्होंने अडवाणी जी को जेल भेजा, भाईचारा को बचाने का काम किया। और लालू जी से अगर सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो वो भाजपा के लोग डरते हैं जी। यही डर के कारण
लालू जी के साथ इसकी धरती को लेना था। आज हमारे पिता ईमान है, अस्पताल में है, लेकिन कितना भी उनको परेशान किया जाए, डराया जाए, इतिहास उठा के देख लो, आज तक अपने सिद्धांत से, नीति से, विचारधारा से समझौता नहीं किया। और वो उनके बीजेपी के गीदर भक्ति से नहीं डरे, क्योंकि आपके नेता शेर है अभी भी, मिलने का काम कर रहे हैं। और हम लोग आप लोगों से वादा करते हैं, आप जो आवाम हो, आप हम लोगों को शक्ति देने का काम करो, किसी भी कीमत पर NRC NPR को हम लोग बिहार की धरती पर लागू नहीं होने देंगे। हमें खून देना पड़े, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर अपने देश को तोड़ने का प्रयास करोगे, भाई को भाई से लड़ाओगे, अमन चैन को छीनने का प्रयास करेगा, पर लालू जी और हमारे पार्टी और हम चुप बैठने वाले नहीं है, उन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम करेंगे। आप देखिएगा क्या कानून, मतलब हमारे पूर्वज, हम सबों के पूर्वज, इस देश की आजादी में सभी लोगों ने खून बहाने का काम, मिल करके इस देश को आजाद कराने का काम किया। आज हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो, अब आपको साबित करना है कि आप इस देश के नागरिक है कि नहीं है। आप बताइए, ये बीजेपी वाले लोग हर बात पे, जब हम लोग अमन चैन की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, इनके कमियां तो गिनाते हैं, इनका झूठ का पर्दाफाश करते हैं, तो ये बीजेपी वाले लोग बोलता है पाकिस्तान भी। अरे पाकिस्तान क्या भेजिएगा, हमारे सीमांचल के जितने मुसलमान है वही पाकिस्तान की रास्ता बूट कर देंगे आप, हमको पाकिस्तान क्या भेजिएगा। आप देखिएगा ठीका सीमा जो किसी के बाप का है क्या देश जी, चार लोगों को भेज देगा, और नागरिकता साबित करने के लिए हमको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागजात चाहिए, क्या वोटर आईडी, इस देश का नागरिकता नहीं साबित करता। अगर वोटर आईडी इस देश का नागरिकता साबित नहीं करता, तो हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, कैसे बन गए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अगर आधार कार्ड इस देश की नागरिकता को साबित नहीं करता, तो काहेला बैंक खाता से लिंक किया गया, ये हम पूछना चाहते हैं। आप देखिएगा पासपोर्ट अगर इस देश की नागरिकता को साबित नहीं करता, तो पासपोर्ट का जो पहला आप देखिएगा लिखा होता है भारत गणराज्य, वो क्यों लिखा होता है, ये सवाल पूछना पड़ेगा। ये लोग जो एजेंडा जो चला रहे हैं, ये लड़ाई आसान नहीं है, मामूली लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने इस सरकार को देख लिया और इनके डिजाइन को हम लोग समझते हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हमको आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि जब जब भाजपा की सरकार होती है, तब तक भी क्यों आतंकवादी घटनाएं होती है, चाहे कंधार का हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पार्लियामेंट में अटैक हो, जो भी सीएम आप देखिएगा जितनी भी घटनाएं हैं, ये बीजेपी के समय में ही क्यों होती है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और आप लोगों ने जिस संयम के साथ इस आंदोलन को लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसके लिए हम आप सब लोगों को सलाम देने का काम करते हैं। लेकिन आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एकजुट रहना है, अमन चैन शांति से इस कानून का विरोध करना है। आज बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि NRC जो है वो लागू नहीं करेंगे, किसको उल्लू बना रहे हैं नीतीश कुमार जी, किसको उल्लू बना रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं NPR जो है इसका हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा, NPR का बॉयकट करना पड़ेगा, क्योंकि NPR जो है वो पहला कदम है NRC को लागू करने के लिए। इसलिए हम मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं, आप उल्लू मत बनाओ,
अगर सही मायने में अगर आप एनआरसी को नहीं लागू करना चाहते हो तो तुरंत आप विशेष सत्र बुलाइए और वहां नोटिफिकेशन हम लोग सब सर्वसम्मति से पास करें कि बिहार में एनपीआर को भी लागू नहीं होने देंगे। अगर एनपीआर लागू हो गया तो आप समझो कि एनआरसी लागू हो गया। लोकतंत्र में आप लोग देखिए सब अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने आपका वोट लेकर के आपको पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है, उससे आप लोगों को भी बदला लेने का काम करना पड़ेगा। और पूछो जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के विधायक है उनसे जाकर सवाल पूछिए कि आपके नेता जो है क्यों नहीं एनपीआर का विरोध करने का काम कर रहे हैं। एनपीआर क्या है? सेंसेस है, परफॉर्मा है। उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके पिताजी का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था, आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था, वही पहला कदम वही से बंटवाना शुरू कर देगा। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर तरीके से बॉयकॉट करते हैं और आप लोगों से भी अपील करते हैं, अगर कोई एनपीआर लेकर के आपसे पूछने का काम करे तो आप जो है जानकारी ना दीजिए। कोई एक दो लोग फैसला करेगा कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं है, हम लोग इसका बॉयकॉट करने का काम करें। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये गरीबों की बात है। इसमें नागरिकता साबित सिर्फ मुसलमानों को नहीं करना, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़े समाज से आते हैं, आप बता जो भीख मांगने वाले जो सड़क पे रहते हैं वो कहाँ से काम जाता है। जो बाढ़ आता है सीमांचल में, बाढ़ में जिसका घर डूब गया वो कागजात समाज लाने का काम करेगा। ये बात आप लोगों को सोचने की बात है। किसी का घर चल जाता है कहाँ से लाएगा? ये नोटबंदी आप लोगों ने देखा कि पूरा फेलियर रहा, नोटबंदी के बाद जो है पूरा देश जो है बर्बाद हो गया। इसलिए इनके डिजाइन को आप लोग समझने का काम कीजिए। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ ऐसी पार्टियां बिहार में आकर के आप लोगों को भ्रमाने का काम करने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कंफ्यूजन डालने का काम कर रही है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप उनसे पूछे उनके नेता यहाँ आकर के क्या क्या बोले कि हम लालू जी से नहीं डरते। अरे भैया लालू जी कहाँ आपको डरा रहे हैं, जो आप डर रहे हो किस बात के बारे में आप बोल रहे हैं? आपको कोई नहीं डरा रहा। और आप अपने राज्य में जरा जाकर के अपने मुख्यमंत्री को कहते कि एनपीआर लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, देश में चले प्रवचन दे रहे। इसलिए बात को समझिए, उनके पार्टनर जो है वो जो है एनपीआर को घोषणा नहीं किया, जो मुख्यमंत्री है वहाँ के तेलंगाना के कि हम लागू नहीं होने देंगे, कोई घोषणा नहीं किया और उन्हीं के वो पार्टनर है। और हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन आप देखिएगा बीजेपी से जो लड़ता है वो चोर बेईमान हो जाता है, उसके पीछे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लग जाता है। अगर बीजेपी में कितना बड़ा से बड़ा अपराधी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले कमल छाप साबुन से नहा ले तो वो पवित्र हो जाता है। आज इतने विपक्षी नेता सबों पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन एक इंसान जो है जो कितना भी आप लोगों के बीच आकर के किसी के खिलाफ बोलता है लेकिन उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलता, उसके पीछे बीजेपी क्यों नहीं पड़ती है, ये बात आप लोगों को समझने की बात है। वो बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल नहीं, वो बीजेपी और आरएसएस का ही काम कर रहे हैं, नफरत बोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए सांप्रदायिकता को हम लोगों को त्यागना पड़ेगा, इसको हम लोग मानते नहीं। हम लोग गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं, अमन चैन में विश्वास रखते हैं और इस लड़ाई को जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहोगे तब तक इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं सकते। इसलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग एकदम चट्टानी एकता के तौर पर एकजुट होकर के ये जो सरकार है, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इससे आप लोगों को लड़ने का काम करना है। तो आप लोग तैयार हो कि नहीं हो? तैयार है। हाथ उठा के बताइए तैयार है कि नहीं? तैयार है।
और ये किशनगंज सीमांचल की धरती रही है, इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, यहाँ अनेक समस्याएं हैं और यहाँ जितने भी बाल सचिव के लोग आए हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक संघ के लोग हैं, आप लोगों का जो योगदान है उसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं सीमांचल के गांधी जो अपने तस्लीमुद्दीन साहब जो थे उनका भी इंतकाल कुछ वर्षों पहले हुआ था, आज उनको भी धरती से हम लोग याद करने का काम करते हैं, नमन करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैडम